बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम थोड़ी सी हार्डर प्रॉब्लम जो है उसकी डिस्कशन करेंगे, जो कि हम और उसको देखेंगे कि उसका किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन किस्म के लूप लगे हुए हैं। एक वाइल लूप है, एक हमारे पास जो है फॉर लूप है, और एक हमारे पास आउटर फॉर लूप लगा हुआ है। तो यानी कि ये तीन लूप्स लगे हुए हैं। तो जब हमारे पास इस तरह की कोई हार्डर प्रॉब्लम आ जाती है सॉल्व करने के लिए, तो उसका सबसे इजिएस्ट वे सॉल्व करने का क्या होता है कि आपने सिंपली सबसे पहले इनर लूप को सॉल्व करना है, फिर आपने उससे आउटर लूप को सॉल्व करना है, और फिर सबसे आउटर मोस्ट लूप को आपने सॉल्व करना है। अच्छा, और इसके अंदर दूसरी बात जो आपने नोट करनी है या उसका ख्याल रखना है, वो ये है कि जितने भी हम फॉर लूप या वाइल लूप यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम अल्टीमेटली सिग्मा की शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिग्मा की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे मैथमेटिकल नोटेशन में। और सिग्मा जो होगा उसकी लोअर बाउंड क्या है, 1, और अपर बाउंड क्या होगी, n। तो आपके पास इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये जो पहला वाला लूप होगा, ये जब सिग्मा की शक्ल में लिखा जाएगा तो लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड n है, और उसके अंदर सारा का सारा ये काम हो रहा है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, यही चीज मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दी है कि आपके पास क्या है, टू कन्वर्ट द लूप इनटू समेशन वी वर्क फ्रॉम इनसाइड आउट, यानी कि हमने यहाँ से शुरू करना है और उसके बाद इसको हमने यहाँ लेके जाना है। अच्छा, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा 1 टू n i स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है क्लोज फॉर्म के अंदर, 2 ऑफ n क्यूब प्लस 3 ऑफ n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6। हमने सिंपली इस चीज को वहां पर प्लग इन कर देना। तो आपके पास ये यहां पर देखें, आपने इसको प्लग इन कर दिया, और ये क्या चीज है, 3 कॉमन निकाल दिया, तो पीछे सिग्मा 1 टू n ऑफ i ये अरिथमेटिक सीरीज है, तो वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या किया, इसको ओपन किया, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, जो करने के बाद सॉल्व करने के बाद फाइनल आपके पास ये इक्वेशन रह जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर से इसका एनालिसिस किस तरह हम निकालते होते हैं कि हम इसमें से कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते होते हैं, लोअर टर्म्स को इग्नोर कर देते होते हैं, सिर्फ हायर टर्म के ऊपर फोकस करते होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही देती हूँ कि जिस तरह आप समझे कि आप बाजार गए और वहां से आपकी मदर ने आपको कहा कि जी आप कुछ परचेज करके लाएं, तो आपको अगर कोई कहे कि कोई गोल्ड फिश, आप एक परचेज करते हैं और आप एक एलिफेंट परचेज करते हैं। अब एलिफेंट जो है वो आप 2.25 लाख रुपए का परचेज करते हैं, और जो गोल्ड फिश है वो आप सिर्फ 150 रुपए की परचेज करते हैं। तो जब आप वापस घर आते हैं, आपकी मदर आपसे पूछती है कि आज आपने क्या शॉपिंग की, तो आप कहते हैं कि जी मैंने 2.5 लाख रुपए का एलिफेंट खरीदा और बहुत खर्चा हो गया। लेकिन आपको 150 रुपए वाली गोल्ड फिश जो है उस केस में याद नहीं रहती, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम थी। तो सिमिलरली जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंट्स और लोअर टर्म्स जो होती हैं उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो लग रहा होता है वो उस टर्म का लग रहा होता है जो मैक्सिमम उसकी पावर होती है। तो फिर इस केस में हमारे पास एन क्यूब जो है वो सबसे मैक्सिमम टर्म है, तो आपके पास इसका एनालिसिस क्या निकलेगा, एन क्यूब। थीटा इसलिए लिखा है एवरेज केस, क्योंकि हम इस वक्त किसी वर्स्ट केस और बेस्ट केस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम ऑन द एवरेज इसका एनालिसिस जो है वो निकाल रहे हैं। आपको इस एल्गो को अंडरस्टैंड करने में या इसका एनालिसिस करने में अगर कोई प्रॉब्लम है हुई हो या इसको समझने में कोई आपको मुश्किल हो रही हो, तो आप कमेंट्स में मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर इसके अंदर, मैं इस कोर्स के अंदर आपको जो है इससे रिलेटेड और भी वीडियोस जो हैं वो शेयर कर सकूं। थैंक यू।